गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे कक्षा थर्ड सब्जेक्ट हमारा रहेगा मैथ। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2, पार्ट हमारा रहेगा। सेकंड सिंपल भाग करना मैंने आपको बता दिया था, आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसमें हम पहला प्रश्न है, हमें भाग दीजिए और भागफल ज्ञात कीजिए। भागफल किसे कहते हैं? भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे भागफल कहेंगे। जैसे मैं बताती हूँ आपको, प्रश्न हमारा दिया गया है ये, अब हम इसे इसकी सही पोजीशन में लिखना है। 408 को हमें भाग करेंगे हम 2 से, उसे क्या करेंगे? भाग देने के बाद यहाँ जो हमारा आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे भागफल, और जो नीचे बचेगा सवाल पूरा करने के बाद उसे हम बोलेंगे शेषफल। तो पहले हम 2 का पहाड़ा लिख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 6 12, 12 तक चला जाएगा। इससे ज़्यादा पहाड़ा हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर हम करेंगे, 2 के पहाड़े में 4 आता है, आया कितने पर आएगा? 2 पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ हम लिखेंगे 4 कितने पर आया? 2 पर आया, यहाँ हमने लिखा 2। अब क्या करेंगे? पहले हमने पहाड़ा पढ़ा, अब हम क्या करेंगे इसमें माइनस करेंगे। 4 में से 4 माइनस गए, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या माइनस करनी है, तो कितना आया? 0। 0 आ गया। अब क्या करेंगे कि अब 2 के पहाड़े में 0 आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? आगे से एक संख्या नीचे उतार लेंगे। लेकिन बात तो वही है कि फिर से 0 आया, ये तो डबल 0 हो गया, तो पहाड़े में तो आएगा ही नहीं, तो क्या करेंगे? फिर से हम एक संख्या और उतार लेंगे। अब हमने टोटल कितनी संख्या उतारी? 2 संख्या उतारी। 2 संख्या उतारेगी तो हम क्या करेंगे कि एक 0 ऊपर चली जाएगी। जैसे ही हम ऊपर से 2 संख्या उतारेंगे तो भागफल में एक 0 हम ऐड कर देंगे। अगर हम एक संख्या उतारेंगे तो ऐड नहीं करनी, लेकिन जब हमें 2 संख्या उतारते हैं तो एक 0 हमें कहाँ ऐड करनी है? भागफल में ऐड करनी है। अब फिर से वही करेंगे हम, 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 8 तक। 2 के पहाड़े में 8 आता है, आएगा कितने पर आएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, तो यहाँ आया 8 कितने पर आया? 4 पर आया। अब माइनस कर देंगे, 4 में से 4 गए 0, हमारा भाग खत्म हो गया, शेष हमारे पास क्या बचा है? 4। लेकिन हमसे शेषफल उन्होंने नहीं पूछा, भागफल ही पूछा है, तो हम यहाँ कर देंगे इतना ख़त्म। तो 2 0 4, ये हमारा क्या हुआ? भागफल। ठीक है, समझ में आ गया, ये हमारा हुआ भागफल। इसी तरह से हम आगे वाला भी करेंगे। लिखा हुआ है हमें इसे सही पोजीशन में लिखना है, सही पोजीशन में लिखेंगे 1 2 3 सॉरी 5, 135 भाग किसे करना है? 5 से करना है, 5 का पहाड़ा लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, इतने लिखेंगे अपने। 5 नीम 45, 5 2 50। अब क्या करेंगे? 5 एक एक संख्या से नहीं करेंगे, क्योंकि 5 के पहाड़े में एक आएगा ही नहीं, हमें 2 संख्या लेनी पड़ेगी। 13 के बराबर की संख्या या 13 से छोटी संख्या, 5 के पहाड़े में हमें ऐसी संख्या चाहिए या तो वो 13 ही हो, 13 नहीं तो वो 13 से छोटी ही हो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 क्या हुई? 13 से बड़ी संख्या हुई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 13 से छोटी संख्या कौन सी है हमारे पास? 10, तो हम यहाँ 10 उतार लेंगे। कितने पर आया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 पर आया, दूनी मतलब 10। ठीक है, 2 यहाँ लिखा, यहाँ कितना है? 10। फिर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अब माइनस करने के लिए क्या करेंगे? 0 कैसे जाएगा? तो 3 का 3 आ गया, 1 में से गए 0। अब फिर 3 के पहाड़े में जाएगा नहीं, 3 आएगा नहीं, सॉरी 5 के पहाड़े में, ऊपर से क्या करेंगे? 5 उतार लेंगे। 5 के पहाड़े में 35 आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 6 3, 5 7 35, ये हमारा हुआ खत्म। पाँच सात 35, तो ये हमारा क्या हुआ? सवाल पूरा हो गया। 35 क्या हुआ? भागफल। ठीक है, ऐसे आगे वाला करेंगे। 3 का पहाड़ा लिखेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 2 30। सवाल अपने लिखेंगे, पहाड़ा 3 का, 3 से करना है,
तीन ती है नौ, तीन के पहाड़े में नौ आता है, पहली संख्या से चला जाएगा, बड़ी संख्या है जिसे हम पहाड़ा दे भाग दे रहे हैं उससे चला जाएगा, कितने पर जाएगा, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन ती है नौ, नौ पे चला गया, तीन ती है नौ। अब माइनस करेंगे, तीन नौ में से नौ गए ज़ीरो, फिर ऊपर से एक संख्या उतारी, फिर ये ज़ीरो है जैसे पहले वाला किया, सेम वही तरीका इसमें हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, एक संख्या और उतारेंगे, कितनी हो जाएगी, छः। तो दो संख्या उतारी, याद रखो जहाँ दो संख्या उतारी कुछ नहीं सोचना, ज़ीरो लगा दो यहाँ, ठीक है। दो संख्या उतार ली हमने, ज़ीरो लगा दिया। अब फिर पहाड़ा पढ़ना, ये वाली संख्या पहाड़े में है या नहीं है, तीन दूनी छः, तो यहाँ आ गया छः, कितने पर आया, दो पर आया, लिख दिया। अब फिर माइनस करना है, छः में से छः गए ज़ीरो, सवाल ख़त्म हो गया, आगे कोई संख्या ही नहीं है। अगर संख्या होती तो भाग आगे चलते जाता चलते जाता, लेकिन कोई संख्या नहीं है तो हमारा भाग यहीं ख़त्म हुआ। तो भागफल कितना हुआ, 302, ये हमारा हुआ भाग। अब आगे करेंगे, सेम वही तरीका है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। पाँच से करेंगे, पाँच का पहाड़ा लिखेंगे, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच तीय पंद्रह, पाँचों को बीस, पाँचों पाँच पच्चीस, पाँच इकतीस, पाँच सात पैंतीस, इतने पर चला जाएगा। फिर सात बड़ी संख्या, लेकिन पाँच है पहाड़े में तो हो जाएगा, क्योंकि पाँच से छोटा है, तो यहाँ पाँच लिखेंगे एक। अब सात में से हमें कितने करने हैं, माइनस करने हैं, पाँच तो माइनस करो, कितने बचेंगे, दो। फिर पाँच के पहाड़े में दो नहीं आएगा, ऊपर से उतारी ज़ीरो, एक संख्या उतारी है तो कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब फिर पहाड़े में क्या, बीस आता है पाँच के पहाड़े में, फिर से पहाड़ा पड़ेंगे, तो आया पाँच के पहाड़े में बीस, कितने पर आया, पाँच एक पाँच, पाँच दूनी दस, पाँच तीन पंद्रह, पाँचों का बीस, तो यहाँ चार, यहाँ बीस। फिर से माइनस करना है, ज़ीरो में से गए ज़ीरो, दो में से दो गए ज़ीरो, ऊपर से कितना उतारा, पाँच। फिर पाँच का पहाड़ा पड़ेंगे, कहाँ तक, पाँच तक, पाँच एकम पाँच, कितने पर आया, एक पर आया, पाँच में से पाँच गए ज़ीरो, आगे कोई संख्या नहीं है, हमारा सवाल ख़त्म हो गया। भागफल कौन सा है, ये, ठीक है, ये हमारा हुआ भागफल। अब हम करेंगे आगे वाला, इसके सही पोजीशन में लिखेंगे, बत्तीस भाग किससे देना है, दो से। फिर दो का पहाड़ा यहाँ लिखा हुआ है, दो का पहाड़ा देखो ये लिखा हुआ। अब हम करेंगे दो एकम दो, एक एक दो छिका बारह, दो में से दो गए ज़ीरो, ये हुआ ज़ीरो, ठीक है, सवाल हमारा हुआ ख़त्म। ये कितना हमारा बचा, भागफल, ठीक है। अब आगे वाला प्रश्न करेंगे, छः ज़ीरो आठ, दो दो तिया छः, तीन पर छः में से छः गए ज़ीरो, फिर ज़ीरो उतारी, फिर आठ उतारे, दो संख्या उतारी इसीलिए ज़ीरो। अब दो चौके आठ, आठ में से आठ गए ज़ीरो, ये कितना है हमारा, भागफल, ठीक है। ऐसे ही हो जाएंगे सारे सवाल। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे, प्रैक्टिस करना।